अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मेंढक भी सांप का शिकार कर सकता है। जी हाँ, आपकी आंखें बिल्कुल सही देख रही हैं। दोस्तों, वैसे तो हर जानवर जानता है कि उसे किस जानवर से पंगा लेना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए, लेकिन कई बार हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है जो हमारी सोच से बिल्कुल दूर होता है, क्योंकि कई बार एक चूहा भी बिल्ली पर भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली वीडियोस दिखाने वाले हैं, जिन्हें आज से पहले ही शायद आप लोगों ने कभी देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, पोर्क्यूपाइन के जिस्म की हिफाजत के लिए कुदरत ने इन्हें कांटेदार हथियार दिए हैं, जिसकी वजह से कोई खतरनाक जानवर भी इन्हें खाने के बारे में नहीं सोच सकता। दोस्तों, यहाँ एक छिपकली एक सांप पर भारी पड़ जाती है। शिकार करने आया सांप खुद छिपकली के मुँह का निवाला बन गया। दोस्तों, इस वीडियो से साफ जाहिर हो जाता है कि शहद के लालच में मधुमक्खियों से नहीं उलझना चाहिए। दोस्तों, इस चिड़िया का शिकार किसने किया, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। दोस्तों, शेर के बच्चे को इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी कि ये शेर के पिछवाड़े में फंस गया, लेकिन खुशकिस्मती से बाद में बहुत सारे शेरों ने मिलकर इस शिकार का मांस खाकर इसे बाहर निकाला। दोस्तों, यहाँ हाथी के छोटे बच्चे पर जब इन दो मगरमच्छों ने घात लगाई तो इनकी बैंड बजाने के लिए हाथियों का पूरा झुंड दौड़ पड़ा। दोस्तों, यूं तो शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, मगर राजा जी को भी कई बार मार खानी पड़ती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, इन आवारा कुत्तों को बहुत जल्द ही समझ आ गया कि किसी को बिला वजह परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस बड़ी ईगल ने आज एक बकरी को खाने का मन बनाया हुआ था। इसके बाद वो इस बकरी को इतनी ऊंचाई से नीचे पटकता है, इसके बाद इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। दोस्तों, ये कांटेदार जानवर दूसरे जानवरों से बचने के लिए खुद को गोल कर लेता है, और साथ ही इन कांटों का इस्तेमाल हथियार की तरह भी कर सकता है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी में खुद एतमादी शेर की तरह होनी चाहिए, लेकिन एक बड़े जिराफ पर हमला बोलने के बाद यहाँ इस शेर की खुद एतमादी भी डगमगा गई। दोस्तों, टूरिस्ट ने एक जेब्रा को जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ रिकॉर्ड किया। सभी को लगा था कि मगरमच्छों के झुंड में उसकी मौत पक्की है, लेकिन फिर जो देखने को मिलता है वो सबको हैरान कर देता है। दोस्तों, इस गाय के सर पर ऐसी चोट लगी कि ये भूल ही गई कि ये गाय है। दोस्तों, यहाँ कुत्तों के एक झुंड ने एक अकेले सी ऊटर पर हमला बोल दिया, लेकिन फिर भी इस छोटे से जानवर ने हार नहीं मानी। दोस्तों, तीन तेंदुओं से भिड़ते हुए इस छोटे से जानवर का नाम वुल्वरीन है। अब तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि इसके नाम पर एक सुपर हीरो का नाम क्यों रखा गया है। दोस्तों, अब जरा इस हिरन का कमाल देखें, ये किस तरह इस शेर को चकमा देता है। दोस्तों, वैसे तो कछुआ ज्यादा खतरनाक जानवरों की लिस्ट में नहीं आता, मगर इसका खोल इतना ज्यादा मजबूत होता है कि एक मगरमच्छ के दांतों को भी हार माननी पड़ जाती है। दोस्तों, रैटल स्नैक जैसे सबसे जहरीले सांप को भी एक मॉनिटर लिजर्ड अपना शिकार बना सकता है। दोस्तों, शेर के पंजों का शिकार बनते बनते शायद गाय भैंस बगावत पर उतर आई हैं।
दोस्तों यहाँ भैंसों के झुंड में फंसे शेर को आज मौत से मुलाकात करनी पड़ी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।